हेलो एवरी वन हाउ आई यू आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट लेसन नंबर सिक्स विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑफ क्लास ट्वेल्थ पोलिटिकल साइंस तो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट अंतर्राष्ट्रीय संगठन कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं तो ये ऐसे संगठन होते हैं जो बहुत से देशों द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं और जिनका मुख्य लक्ष्य विश्व में शांति बनाए रखना होता है विश्व में होने वाले युद्ध और लड़ाई झगड़ों को खत्म करना होता है तो स्टूडेंट्स ये देखिए लेसन के फर्स्ट पेज पर एक ये चिन्ह दिया गया है जो कि क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें क्या दिया गया स्टूडेंट्स इसमें पूरी दुनिया का ये नक्शा है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं और जैतून की पतियों को शांति का प्रतीक माना जाता है स्टूडेंट्स इसलिए इसका यूज यहाँ किया गया है तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना और क्या इसकी ज़रूरत थी तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ पहले युद्ध विश्व युद्ध में जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस युद्ध के बाद युद्धों को रोकने के लिए किसके बाद पहले विश्व युद्ध के बाद 1919 में राष्ट्रीय संघ लीग बनाया गया ताकि भविष्य में आगे युद्ध ना हो लेकिन उन्नीस में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और यह युद्ध 1945 तक चलता रहा और यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक व नुकसानदायक था अब दुनिया युद्धों से तंग आ गई थी क्योंकि युद्ध की वजह से क्या होता था स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता था तो दुनिया अब किसी भी तरीके से शांति की स्थापना करना चाहती थी क्योंकि अगर इसके बाद भी युद्ध होते मतलब कि अगर तीसरा विश्व युद्ध भी होता तो पूरी दुनिया ही क्या हो जाती बर्बाद हो जाती इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के ज़्यादातर देशों ने आपसी समझौता करके 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया यू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो स्टूडेंट्स आई होप अब अब आपको यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्यों बनाया गया तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स हर चीज़ बनाने का एक उद्देश्य होता है जैसे कि पंखा बनाने का उद्देश्य है हवा देना है ना कि पंखे का यूज हम किस लिए करते हैं कि हमें हवा चाहिए इसीलिए इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाए जाते हैं दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए और जब कोई चीज़ खराब हो जाती है तो वह अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाती तो हमारे सामने क्या होता है स्टूडेंट्स जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं कि या तो हम उस चीज़ को रिपेयर करें या फिर उसे हटाकर कोई दूसरी नई चीज़ ले आएँ फॉर एग्जाम्पल पंखा अगर पंखा खराब हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे या तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं या उसकी जगह कोई दूसरा पंखा ला सकते हैं ठीक इसी तरीके से राष्ट्रीय संघ जो अभी हमने बात की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्रीय संघ बनाया गया तो राष्ट्रीय संघ अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ बना लेकिन राष्ट्रीय संघ बनने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसीलिए राष्ट्रीय संघ अपने उद्देश्य में क्या नहीं हो पाया कामयाब नहीं हो पाया और इसीलिए राष्ट्रीय संघ को खत्म करके संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे और किन परिस्थितियों में बनाया गया तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं हमारे सेकेंड uh, पेज पर बुक पेज नंबर एट्टी टू तो यहाँ देखिए यहाँ दिया गया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए तो अब तक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि हमें क्यों चाहिए फिर भी चलो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम सबको अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत है ताकि दुनिया में समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से क्या हो सके समाधान किया जा सके आपसी बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्था बनाई जा सके और पूरी दुनिया का सहयोग हासिल किया जा सके आज के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें इसलिए भी ज़रूरत है स्टूडेंट्स कि इसके जरिए हम युद्ध को रोक सकते हैं ओके तो इसीलिए हमें क्या चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए तो अब फिर ये कहते हैं कि दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है यानी कि काफी एक्सपर्ट हैं ये लोग इनके विचार क्या हैं, वो अब हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं डेग हैमरसोल्ड के विचार जो कि कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे ये तो इन्होंने क्या कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स ये कि इन्होंने काफ़ी अच्छी बात ये कही है कि हम ये गठन इसलिए नहीं बना रहे कि हमने क्या करना है लोगों को स्वर्ग में पहुंचाना है नहीं बल्कि इस धरती पर ही स्वर्ग बनाना है यानी कि उन्हें नर्क से बचाने के लिए हुआ है अब अगर लड़ाइयाँ होगी मारकाट होगी तो एक टाइप का क्या हो गया धरती पर ही नर्क हो गया लेकिन अगर शांति होगी आपस में सब लोग मिलजुल कर चलेंगे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो धरती पर ही क्या आ गया स्वर्ग आ गया तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने दूसरा जो विचार है स्टूडेंट्स वो है शशि थरूर के द्वारा कहा गया तो इसको भी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बत कही कि चौपाल ठीक कहा आपने संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठ के होती है यानी कि उन्होंने कहा कि यहाँ चौपाल होती है बैठक होती है मीटिंग्स होती है धनादन भाषण होते हैं कि लोग भाषण देते हैं खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में यानी कि इनकी जो साल में एक बार जो मीटिंग होती है उसमें काफ़ी क्या होते हैं भाषण होते हैं लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे यानी कि इन्होंने अब किसको पॉइंट आउट किया है स्टूडेंट्स चर्चिल को कि चर्चिल की कही गई एक बात शशि थरूर ने यहाँ रिपीट की है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स ये कि हथियारों की लड़ाई करने से क्या है जान माल का नुकसान ही है और जबान लड़ाकर हम क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिस बात पर कि हथियार लड़ाए जा रहे हैं क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं बनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के बिल्कुल सही बात है कि एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर सभी देश इकट्ठे आएँ और मिलजुल कर अपनी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें ना कि बजाय इसके कि वो लड़ाई करके एक दूसरे को मारे या एक दूसरे का सर कलम करें तो ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात कही है आपको ये अच्छे से लर्न कर लेनी भी चाहिए कि ये किसने कहा और इसका क्या मीनिंग है ओके okay? अब बात आती है आगे की आगे क्या है स्टूडेंट्स कि ये दो उदाहरण है एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती लेकिन वो फिर भी क्या है महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि क्यों है ये महत्वपूर्ण क्योंकि ये संगठन क्या करेंगे युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं तो सबसे बड़ी जो हमारी टेंशन है वो यही होती है युद्ध की जैसे हम जब भी कभी न्यूज़ में सुनते हैं कि इंडिया चाइना के बीच लड़ाई हो रही है या इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रही है तो हमें थोड़ी टेंशन होती है थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये क्यों हो रहा है जिसमें हमारे आ, सैनिक मारे जाते हैं या फिर युद्ध भी लगा लो कि अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो बेकसूर लोग काफ़ी सारे मारे जाते हैं जिन्हें तो मतलब ही नहीं पता होता कि ये दो देश आपस में किस बात पर और किस लिए लड़ रहे हैं तो ऐसे भी काफ़ी लोग उस युद्ध में मारे जाते हैं तो यही है कि इससे क्या होगा वे देशों की क्या करेंगे सहायता करते हैं ताकि हम सबकी बेहतर जीवन स्थितियाँ कायम हो देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले है ना कि छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो युद्ध करें इसकी जगह वो क्या करें वो उन मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं तो इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण तो हो जाती है किसमें स्टूडेंट्स आपस में सलाह विमर्श करने के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या नहीं है कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता ये कोई एक कोई सुपर पावर नहीं है ये जो कि अपने सदस्यों पर क्या चलाएगी अपना राज चलाएगी या अपनी दोष चलाएगी ये संगठन तो क्या है कि अलग अलग राज्य मिलकर या उनके मामलों के जवाबदेह होता है यानी कि एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ मिलकर सभी देश डिसाइड करेंगे उसका एक हेड बनाया जाएगा मीटिंग होगी आपस में सलाह कर कर ही डिसीजन लिया जाएगा ना कि ये जहाँ ये है जहाँ इसका हेड ऑफिस है वो देश अपने अपना दूसरे देशों पर कंट्रोल करे या अपना राज चलाए तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता तो जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं एक बार इसका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं और जो सदस्य देश होते हैं स्टूडेंट्स वो भी ऐसे नहीं होते कि उन्हें फोर्सली इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि आप आओ और हमारे इस संगठन में ऐड हो जाओ नहीं वो उनकी खुद की मर्जी होती है कि उन्हें अगर अच्छा लगता है या जो शांति चाहते हैं वही देश यहाँ इसको ज्वाइन करते हैं ओके okay? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से भी मददगार होते हैं स्टूडेंट्स कौन सा तरीका है वो है कि जब ये सब साथ आते हैं साथ मिलकर काम करते हैं तो ये किसी भी मसले को चुनौतीपूर्ण तरीके से उसको निपटा सकते हैं और जैसे कि यहाँ इसने एग्जाम्पल दिया है बीमारी का कि कोई भी बीमारी है जैसे तो बीमारी को नहीं पता कि वो जैसे फॉर एग्जांपल अब कोविड नाइन्टीन की ही बात करते हैं हम कि जो कोरोना है वो चाइना हम कहते हैं कि चाइना से शुरू हुआ तो उस बीमारी को तो नहीं पता कि यहाँ चाइना की ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर से दूसरी साइड नहीं जाना या दूसरे देश में नहीं जाना ये तो सभी देशों में फैलेगी तो अब इस बीमारी का सोलूशन कैसे हो सकता है जब सभी देश मिलकर एक दूसरे को कर कर इस बीमारी की मेडिसिन तैयार करें और जो प्रिकॉशन है वो करें सभी एक दूसरे को बताएं कि हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए तो यही एक है कि ये जो संगठन है ये इस तरीके से जब भी कोई महामारी फैलती है तो उसमें भी एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे है ना यानी कि जैसे कि अब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन हुआ है तो ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं हुआ ये सभी देशों में हुआ है क्योंकि सभी चाहते हैं कि क्या हो ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अगर एक देश ने इसको ख़त्म कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि ये आगे नहीं होगा ये फिर से हो सकता है क्योंकि ये सभी जगह से सभी जगह से पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग तो जिसको आप पता ही होगा आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि आ, अपने इन्वामेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से टेम्परेचर हाई हो रहा है गर्मी बढ़ रही है और जिस गर्मी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट की वजह से गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है और समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है अब समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा कैसे है स्टूडेंट्स कि जो गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी से जो अपने ध्रुवों पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो बर्फ़ क्या हो रही है वो पिघल रही है और वो उसके पिघलने से समुद्र में क्या आ रहा है पानी आ रहा है तो जैसे जैसे समुद्र का पानी बढ़ता जाएगा तो इससे क्या होगा जो तटीय इलाके हैं बड़े बड़े शहर भी हैं उन इलाकों पर वो सारे क्या हो जाएंगे डूब जाएंगे तो अब इस ग्लोबल वार्मिंग से कोई एक देश अपने आप को नहीं बचा सकता क्योंकि ये तो क्या करेगी ये पूरे अर्थ पर ही अपना इफेक्ट करेगी तो इसका डिसीजन एक देश नहीं ले सकता ये सभी देश मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट जब अपनी लड़ाई लड़ेंगे सब मिलकर पोल्यूशन को कम करेंगे टेम्परेचर को कम करेंगे तभी एक पॉसिबल हो सकता है कि इसके दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकते हैं हम तो इस ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए क्या है विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है तो ये आपसी सहयोग कैसे बन सकता है ये किसी संगठन के द्वारा बहुत अच्छे से बन सकता है अब सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग बातें हैं बिल्कुल देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती तो ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जैसे सपोज सभी देशों की ज़रूरतें जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है किसी को किसी चीज़ की कहीं पर किस बीमारी का है कहीं पर हमारी नेचुरल डिजास्टर आती है प्राकृतिक आपदा जैसे कहीं ऐसी जगह जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है तो सबकी ज़रूरतें भी क्या हैं अपनी अपनी है तो अब यह जो आपसी सहयोग की बात हो रही है तो ये कह रहा है कि सहयोग में आने वाली लागत का भार कितना उठाए सहयोग में होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा नियोचित ढंग से कैसे हो मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई है उनसे कोई दगा ना करे तो ये वही है कि इसका बेनिफिट सभी को हो और इसके लिए जो भी ये जो मीटिंग करके जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे सभी देश मिलकर फॉलो करेंगे ना कि कोई एक देश कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे तो इससे तो कोई फ़र्क होगा नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं तो ये यही कह रहा है कि इसके लिए सभी देशों को क्या होना पड़ेगा सहमत होना पड़ेगा और ये सहमति कैसे आ सकती है एक संगठन के द्वारा ही अच्छे से आ सकती है तो स्टूडेंट्स ये आप भी रीड कर लेना यहाँ फिर से वही बताई जा रही है कि इस संगठन में जो मीटिंग होगी उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा या जो भी नियम या शर्तें होंगी उसका क्या होगा हर कोई सभी सदस्य उसका क्या करेगा पालन करेगा अच्छे से और एक बार वो समझौते में अगर कोई देश शामिल हो जाता है तो वह बिल्कुल समझौते के नियम और शर्तों का क्या करेगा पालन करेगा और ताकि इससे क्या हो सभी सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी लाभ का बंटवारा न्याय न्यायोचित होगा यानी कि सबको प्रॉफिट होगा और जो भी डिसीजन या जो भी फैसला यहाँ होगा उसमें सब मिलकर अपना सहयोग करेंगे ओके शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमरीका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा की में मददगार हो सकता है और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे तो ये लास्ट में बात होगी वैसे थोड़ा मैं बता दूं कि बिल्कुल पॉसिबल है स्टूडेंट्स ये कि हम एक संगठन के द्वारा किसी भी देश की आ, अगर कोई भी देश अपनी पावर का मिस करता है किसी गरीब देश पर अटैक करता है या युद्ध से वो अपना एरिया बढ़ाना चाहता है तो इन सब बातों का सोल्यूशन हम इन संगठनों के द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं फिर आती है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास तो ये मैंने बताया भी था स्टूडेंट्स कि ये देखिए स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है तो ये आप पढ़ लेना ये वही बता रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं बुक पेज नंबर 85 फाइव पर यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना दी गई है तो स्टूडेंट्स एक बार इसको आप रीड आउट कर लेना अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे एक बड़ा ग्रुप बन जाता है उसके बाद उसकी छोटी छोटी एजेंसियाँ बनाई जाती है यानी कि उसके दूसरे अंग बनाए जाते हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं कि कौन क्या देखेगा वो यही है सारे कि कैसे किस डिपार्टमेंट में क्या है किसका जैसे कि मुद्रा कोर्स बनेगा एक या एक हेल्प करने का या जैसे डब्ल्यू एच ओ है हमारा तो वो सारा यहाँ आएगा तो आप इसमें देख लेना इसको अच्छे से आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा तो स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 84 पर ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की प्रोसेस है कि कैसे क्या किया गया तो ये भी आप इसको अच्छे से रीड कर लेना और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है काफ़ी इनको लर्न कर लेना और यहाँ तक हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कोई भी डेट है या ईयर है या और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो उनको आप लर्न कर लेना क्योंकि वन मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पोलिटिकल साइंस में और अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओके okay? थैंक्स फॉर वॉचिंग